लो जी आ गया सिद्धार्थ और शहनाज का रोमांटिक गाना। सिडनाजियंस यही तो देखना चाहते थे बिग बॉस 13 के बाद, तो अब उनके लिए एक बम्पर ड्रॉ, जैसे कि मैंने इस गाने के लिए बम्पर ड्रॉ कहा है, वो गाना आ गया है शोना शोना। और गाना रिलीज होके 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे के ऊपर आप सोच रहे होंगे मैं इतना लेट क्यों आई, तो एक तो मैं नॉन नेटवर्क एरिया में हूँ, और दूसरा पहले मैंने गाने को सुना, एंजॉय किया, देखा। मैं भी आप ही की तरह इस गाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। शोना शोना एक बहुत ही विजुअल ट्रीट, अगर मैं इसे कहूँ विजुअल ट्रीट है, इसको आपको देखना बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत दिनों के बाद तो फ्रेश और क्यूट, हालांकि पूरा वर्चुअली शूट किया है, क्रोमा पे शूट किया है स्टूडियो के अंदर, चूंकि कोरोना टाइम्स चल रहा है तो स्टूडियो के अंदर शूट किया गया, मैं VFX इस्तेमाल किए गए हैं। मगर सिद्धार्थ और शहनाज उनकी जोड़ी का जो की जो खूबसूरती, उनकी जो केमिस्ट्री, जिसके लिए क्रेव कर रहे थे सिडनाजियंस तमाम लोग, क्या कि सिद्धार्थ और शहनाज साथ में कैसे दिखाई पड़ते हैं, साथ में उनकी केमिस्ट्री कैसे दिखती, घर में एक अलग तरह की केमिस्ट्री थी। घर में अगर हम देखें तो बिग बॉस से घर में ऑब्वियसली हमारे जहन में अब तक वही है, सिद्धार्थ शहनाज के पीछे पीछे, शहनाज सिद्धार्थ के पीछे पीछे घूमती थी, उन्हें मनाती थी, सिद्धार्थ नाराज़ हो जाते थे, शहनाज लगातार मनाती थी, और उसके सिद्धार्थ मानते थे, उसके अलग अलग तरीके होते थे, और इसी एक चीज़ ने सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी को बहुत अलग और यू नो वांटेड बनाया। लोगों बहुत अच्छा लगता था उनके क्लिप्स, आप विश्वास नहीं करेंगे उनके क्लिप्स के इतने व्यूज़ आते थे जिस भी प्लेटफॉर्म पर डाले जाए, क्योंकि लोगों में भूख बहुत ज़्यादा थी सिद्धार्थ और शहनाज को साथ में देखने की। टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ नंबर वन जोड़ी है भाई बहन की, जिनके गाने धूम मचाते हैं, धूम मचाते हैं, और उन्होंने एक वाजिब तरीका निकाला इस जोड़ी को ज़बरदस्त, इसकी जोड़ी की पॉपुलैरिटी को एनकैश करने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये गाना जो है वो धूम मचाने वाला है। अभी गाने को आकर के 2 घंटे से थोड़ा ऊपर का टाइम हुआ, अब तक लगभग 5 लाख व्यूज़ होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख व्यूज़ होने वाले हैं, 3.5 लाख लाइक हुए हैं, और लग रहा है कि ये गाना जल्दी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ अगले कुछ घंटों में गाना 1 मिलियन टच कर लेगा, और मुझे लगता है कि 10 दिनों में ये गाना 100 मिलियन का जो एक माइलस्टोन है वो कंप्लीट कर लेगा, और ज़बरदस्त चलेगा, क्योंकि इस गाने को बेसब्री से लोग देखना चाहते हैं, और ये सुनने वाला नहीं बल्कि देखने वाला गाना है, इसके विजुअल्स को लोग बार बार देखना चाहेंगे जैसे शूट किया गया। अब बात करते हैं लुक्स की, शहनाज बहुत क्यूट लग रही है, सिद्धार्थ बहुत क्यूट लग रहे हैं, दोनों एकदम कॉलेज स्टूडेंट्स लग रहे हैं, जहाँ पे कॉलेज की एक लव स्टोरी, लवी डवी स्टोरी होती है, जहाँ पर लड़की हमेशा रूठती रहती है, लड़का पीछे पीछे उसके भागता है छाता लेकर तमाम चीज़ कॉलेज में यहाँ वहाँ, और उसके जो सेटअप जो किया गया, जो ग्राफिक्स भी इस्तेमाल किए गए, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन दोनों को, साथ ही साथ गाने को। शोना शोना किसी और की ना होना, बहुत अच्छे कैची लिरिक्स हैं। हालाँकि ये गाना मुझे सुनने से ज़्यादा देखने में अच्छा लगा, और गाने से कुछ शिकायतें हैं मुझे, एक तो गाना बहुत छोटा है, थोड़ा और लंबा होना चाहिए था एक्सटेंजा, और साथ ही साथ इसमें सिद्धार्थ और शहनाज से कुछ और मूवमेंट्स भी होने चाहिए थे। हालांकि टोनी कक्कड़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, वो भी इस गाने में फीचर हुए हैं, तो गाना श्योर शॉट हिट है, क्योंकि शहनाज के चेहरे पर एटीट्यूड, हाँ एटीट्यूड, तू एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे, इतना एटीट्यूड मत दिखा मुझे, वो एटीट्यूड शहनाज के चेहरे पर दिख रहा है। और सिद्धार्थ जो हमेशा शांत और नॉन मना, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वाले मोड में रहते थे, शहनाज के लिए नहीं कह रही हूँ बाकी इन जनरल, उनको फ़र्क पड़ रहा है शहनाज के रूटने से, तो यही इस गाने का सबसे क्यूट एलिमेंट है, और दोनों बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं इन्हें आई कैंडी कहूँ तो इस वक्त इनसे बड़ा क्रेज़ किसी भी कपल का अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली फॉर सिडनाजियंस और बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े सेलेब्स की बड़ी बड़ी जोड़ियाँ हैं, मगर सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल ऐसा कपल जिनको लोग देखना चाहते हैं साथ में, तो वो सिडनाज हैं, सिद्धार्थ और शहनाज हैं, और ये जो उनका उनके लिए प्यार है अब वो व्यूज़ में बटने वाला। आपने कितने बार देखा है गाना ज़रूर बताइए, और अगर कम बार देखा है तो जाकर लूप पर देखिए, और ज़रूर बताइए गाने में क्या आप करने वाले हैं, कितने कहाँ तक पहुँचाने वाले हैं, हालाँकि उस पर एक वीडियो मैं अलग बनाऊँगी। तो आप, मुझे गाना लगा सुपर से भी ऊपर, क्योंकि इस गाने को देखने में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं छुट्टी पर आई हुई हूँ 2 दिन की, लेकिन गाना मैंने देखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग थे तो मैंने ईयरफोन लगाकर देखा, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है अगले 2 दिनों तक मैं गाना सुनने वाली हूँ, क्या आपके साथ सुनने और देखने वाली हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। और सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी
जिनके भुला दूंगा के रिकॉर्ड बन गए थे, मगर उस गाने में लोगों को ऐसा लगा था यार इनके रोमांटिक मोमेंट क्यों देखने नहीं मिले, वही देखने मिला रूठना। हालांकि सैड सॉन्ग्स हिट होते हैं, लेकिन सिडनास के जो फैंस हैं उन्हें इनके इनको इश्क लड़ाते हुए, प्यार करते हुए, रूठते मनाते हुए और एक साथ होते हुए देखना था, और वो गाना आ चुका है। तो आपने देखा या नहीं गाना ज़रूर बताएं, और कैसा लगा गाना वो भी बताएं। बने रहें हमारे साथ, जल्दी हाजिर होंगे अगले वीडियो के साथ।